नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिन दहाड़े दरबार मस्जिद के पास अपराधियों ने हवाई फायरिंग की है। बताते चले कि दरअसल मामला यह है कि मोबाइल से बात करते हुए एक व्यक्ति जिनका घर बनिया टोली सिवान शहर में है, वो मोबाइल से बात करते हुए रास्ते में जा रहे थे, तभी मोबाइल छीनने की कोशिश की। मोबाइल छीनने के दौरान जो मुकेश कुमार हैं, उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया। जो दो अपराधी पल्सर पर सवार थे, आदमी को पकड़ता देख, अपने साथी को पकड़ता देख, वो पिस्टल निकाला और हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग करने से ये छूट गया और गाड़ी छोड़कर दोनों अपराधी आराम से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके से मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुछ देर के लिए वहाँ भगदड़ सा मच गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो दिन दहाड़े आपको बता दें कि अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि मोबाइल छीनतई के दौरान हवाई फायरिंग करके फिर आसानी से भाग निकले हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, आइए बात करते हैं क्या है मामला। बटो बटो घबरा मत, क्या हुआ था? मुकेश बता दो, जा रहे थे फोन पे, ना बात करते, ना पीछे से मेरा ना मत पीछे फोन छीन लिया है, मतलब उसको ना पकड़ा है ना, तो वो ना हवाई फायरिंग करके भाग गया। तेज बोली? हाँ, एक तो ना गिर गया वहीं पे, और उसके बाद से कुछ लोग वहाँ पे आके उसको ना पकड़े, तो पकड़ा के भाग गया ना, पकड़ा गया एक तो, आप पकड़ा के ना थाना में गया, हवाई फायरिंग किया है आपको, आपके ऊपर वही ना। अच्छा, किस चीज़ से था सर? सब किस चीज़ से था सर? दो था सर। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे ना घर। क्या करते हैं आप? हम तो अभी ना काम से ना गए थे, घर में बस। कहाँ घर है आपका? मेरा घर पर टोली में। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, ठीक।